तेजस्वी यादव मत घबराना, तेजस्वी यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। बिहार में बंगला खारी कराने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। भवन निर्माण विभाग के आदेश पर आज जिला प्रशासन की टीम जब तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची तो उनके गेट पर लगे पोस्टर को देखकर दंग रह गई। दरअसल उस वक्त तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, उनके गेट पर ताला लगा हुआ था और उस पर एक पोस्टर भी चिपका हुआ था जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ये केस अभी कोर्ट में लंबित है, जिसकी वजह से इस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। तेजस्वी के सरकारी आवास 5 नंबर को खाली करवाने के लिए भवन निर्माण टीम के साथ पूरा पुलिस फोर्स जो है वो पहुंचा हुआ है, लेकिन सबसे पहले यहां पर हम आपको एक तस्वीर दिखलाएंगे कि तेजस्वी आवास के बाहर गेट पे एक पर्चा चिपका हुआ है। दरअसल तेजस्वी यादव पटना के पास देशरत्न मार्ग पर स्थित उस बंगले में रहते हैं जो उप मुख्यमंत्री के लिए चिन्हित किया गया है। जब वे बिहार के डिप्टी सीएम थे तो वो उस हैसियत से वहां पर रहा करते थे, लेकिन हाल में बिहार सरकार ने बंगला खाली करने को कह दिया है। फिलहाल प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं। अभी वो पोलो रोड में स्थित 1 नंबर बंगले में रहते हैं। ये वो बंगला है जो नेता प्रतिपक्ष के लिए चिन्हित किया गया है। जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की हैसियत से थे तो उन्होंने अपने बंगले की साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया था। करोड़ों रुपए खर्च कर बंगले को रेनोवेट किया गया था। इसी तरह अन्य कीमती सामान भी तेजस्वी ने अपनी पसंद से लगवाए हैं। उसके बाद ये खबर जंगल के आग की तरफ फैल गई। वहां पर आरजेडी नेताओं का आने का ताता शुरू हो चुका था। उसके बाद वहां पर मौजूद अजय यादव ने हमारे चैनल हिट अमित शाह से बात की। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। कोर्ट के फैसले आए बगैर प्रशासन ने ये जो कदम उठाया है, इससे न सिर्फ उन्होंने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है बल्कि इससे जनता के बीच एक गलत मैसेज भी जा रहा है। कोर्ट के डिसीजन का फैसला प्रशासन को करना चाहिए, मैजिस्ट्रेट को भी करना चाहिए और कोर्ट के डिसीजन का, कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया जा रहा है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में एक गलत मैसेज जाएगा। तेजस्वी यादव मत घबराना, तेजस्वी यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेजस्वी आवास के बाहर आरजेडी विधायक और नेता धरने पर बैठ गए थे और आरजेडी विधायक और नेता लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। उनका कहना है कि सरकार अलोकतांत्रिक रवैया अपना रही है, आवास खाली कराने का मामला कोर्ट में लंबित है और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक आवास को खाली नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार को परेशान करने के लिए इस तरह की गंदी हरकतें नीतीश सरकार के अमलों द्वारा किया जा रहा है। राजनीतिक गहमागहमी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। पुलिस प्रशासन जो भी है अगले आदेश का जो है वो इंतजार कर रहा है। तमाम मीडिया कर्मी की बात करें या आरजेडी के नेताओं की बात करें, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो तूल लेता हुआ दिख रहा है। अगर जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और एक पर्चा जो है तेजस्वी यादव के कार्यालय की तरफ से भी चिपकाया गया है कि इस पर भवन निर्माण विभाग जो है वो कार्रवाई जो है आवास को खाली करवाने का ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ेगा और इस पर राजनीति भी चरम पर आएगी। अपने भाई के समर्थन में बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू यादव की लोकप्रियता से विरोधी घबरा गए हैं। बिहार में वकीलों की हत्या हो रही है और अपराध लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता। उसके बाद तेजस्वी यादव जैसे ही दिल्ली से पटना पहुंचे, उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक ना जाने कितने बंगलों का इस्तेमाल करते हैं, उसका हिसाब वो क्यों नहीं देते। अरे जो दो दो बंगला, ये सामने वाला और पीछे वाला, 7 नंबर और 1 नंबर, आप बताए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के नाम पे भी बंगला है और पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर भी बंगला है, बताइए नीतीश जी ना बताएंगे कि कानूनी या नैतिकता के भी आधार पर एक ही बंगला जो पद है उसी पे ना रहना चाहिए और दिल्ली में बंगला अलग है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक लिस्ट जारी कर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह, लेसी सिंह और अशोक चौधरी समेत 10 विधायकों के नाम हैं जिनको मंत्री पद के बंगले अभी भी अलॉट हैं। जिन जिन नेताओं ने जो बंगला ले रखा है मंत्री का, उसका नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानती है, लेकिन वहाँ क्या कार्रवाई हुई। और हम तो
उप मुख्यमंत्री रहे, अब विपक्ष के नेता है। तो उन्होंने सरकार से ये सवाल पूछा है कि अगर इन लोगों को ये वाले बंगले अलॉट हो सकते हैं तो वो लोग फिर मेरे बंगले के पीछे क्यों पड़े हैं। कुल मिलाकर बंगले के मामले ने बिहार के सियासत में भूचाल ला दिया है और आगे भी इस पर सियासत जारी रहेगी। अजय भारत के लिए पटना से शिप्रा झा की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव मत घबराना।